हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल गुड। शादियों की सीजन चल रही है और शादी से ही रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में आप सबको हल्दी प्लेटर बनाना बताया था, तो इस वीडियो में हम बनाएंगे मेहंदी प्लेटर और इसे भी हम केक के डब्बे को यूज करके बनाएंगे। और जो मैं हल्दी प्लेटर बनाना बताई थी वो भी मैं केक के डब्बे से ही बताई थी बनाना, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, तो अगर आप मिस कर दिए हो तो जाके देख सकते हो। तो आज की ये जो मेहंदी प्लेटर है ये बिल्कुल क्विक एंड ईजी बनने वाला है। अगर आप सबके घर में शादी है और अभी तक आपने मेहंदी या हल्दी की थाली नहीं सजाई है, नहीं बनाई है, तो आप इसे देखकर तुरंत बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, आपके घर में ये सभी चीज़ अवेलेबल होंगे, बस थोड़े बहुत आपको फ्लावर्स लेने पड़ेंगे मार्केट से। तो चलिए फिर आज की ये क्विक एंड ईजी वाला DIY बनाते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया यहाँ केक का डब्बा, और उसके बाद फिर मैं ले रही हूँ वॉलवेट पेपर। आप चाहो तो यहाँ कपड़े का भी यूज कर सकते हो। डब्बे के चारों साइड हम वॉलवेट पेपर को स्टिक कर देंगे अच्छे से ग्लू लगा करके। डब्बे के चारों साइड वॉलवेट पेपर चिपकाने के बाद अब जो बीच वाला पार्ट है उस पर हम चिपकाएंगे कपड़ा। आप चाहो तो यहाँ वॉलवेट पेपर भी चिपका सकते हो। मैं यहाँ पे ये कपड़ा मेरे पास था ग्रीन कलर का, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप वॉलवेट पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो अब हम लेंगे लकड़ी और लकड़ी के ऊपर हम साटन रिबन स्टिक करेंगे। पूरे अच्छे से साटन रिबन को हम पूरे लकड़ी में लगा लेंगे। ऐसे ही मैंने तीन तैयार किए हैं। एंड फिर उसके बाद हम डब्बे के चारों तरफ लेस लगा लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस लगा सकते हो। डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर मैं दोनों तरफ लेस का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ बाहर भी लगा सकते हो, बट मेरे को लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने दोनों साइड लगा दिया है। तो पूरे डब्बे में हमने लेस लगा लिया है। अब जो हमने लकड़ी तैयार किया था उसको हम इस डब्बे में स्टिक करेंगे। दोनों साइड स्टिक करने के बाद फिर हम ऊपर में भी हॉट ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर देंगे। और इसे ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसे धागे से बांध दिया है। आप चाहो तो बांध सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये निकलने वाला नहीं है। मैंने एक ही साइड बांधा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट चिपक चुका था, तो इसलिए मैंने एक ही साइड इसे बांधा है। और फिर हम लगाएंगे नेट फैब्रिक इस लकड़ी के ऊपर। नेट फैब्रिक को हल्का हल्का चून देकर आप इसे स्टिक कर दें और नीचे में धागे से बांध दें। जैसे मैंने एक साइड नेट फैब्रिक लगा कर दिखाया वैसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे।
उसके बाद फिर हमें चाहिए कुछ बेल्स और कुछ वाइट बीड्स, और फिर हम बेल्स और वाइट बीड्स को कुछ इस तरह हैंग करेंगे और उसे हम स्टिक कर देंगे ग्लू स्टिक से। आप चाहो तो आप इसे सुई धागे से वहाँ पे अटैच भी कर सकते हो। और जो मोती है उसे हम बड़ी छोटी साइज में लगाएंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अब हम स्टिक करेंगे यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स। आपके पास जो भी फ्लावर्स हैं आप वो यहाँ स्टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हो, ऐसे फ्लावर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने हाथों से भी फ्लावर्स बनाकर लगा सकते हो। फ्लावर्स बनाने की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। हम बनाएंगे ढोलक, जिसके लिए मैंने डिस्पोजल कप लिया है और दोनों कप को हम चिपका लेंगे। उसके बाद हम कप के ऊपर चिपकाएंगे फैब्रिक, फैब्रिक को अच्छे से पूरे कप में चिपका लेंगे। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे ये गोटा पट्टी, और गोटा पट्टी लगाने का मेथड मैं आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई हूँ। गोटा पट्टी लगाने के बाद दोनों साइड हम लगा लेंगे लेस। और साइड में हम लगाएंगे टिक्की। तो हमारी ये मेहंदी प्लेटर रेडी हो गई। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके अपना प्यार दीजिएगा। आप लोगों की लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सुंदर DIY के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।